सर ये मदरसे में छापा लगाया, कुछ लोग पकड़े गए, काफ़ी हथियार बरामद हुए, क्या क्या मामला? सीओ अफजलगढ़ की टीम ने थाना शेरकोट से 6 लोगों को दारुल कुरान हमीदिया मदरसे से हिरासत में लिया है। इनके पास से हथियार बरामद हुए हैं, 3 315 बोर के तमंचे हैं, 1 32 बोर का तमंचा है, 1 पिस्टल है, 2 मैगजीन है, 57 कारतूस हैं। इनके पास एक गाड़ी है जिस पे लिखा हुआ है हारे का सहारा बाबा श्याम। ये जो मदरसा संचालक है उसका दवाखाना है जिसके डब्बों के अंदर से ये पिस्टलें और हथियार बरामद हुए हैं। इनके 2 साथी अभी फरार हैं, आरिफ और आसिफ। आसिफ का काफ़ी लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसकी हिस्ट्री शीट थाना शेरकोट में खुली हुई है। टीम इन 6 लोगों को आर्म्स एक्ट में जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ पर जानकारी हुई है कि ये अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त में लिप्त हैं और उससे जो मुनाफा होता है उससे इस मदरसे का संचालन कर रहे थे। ये रेजिडेंशियल मदरसा है जहाँ पे 14 बच्चे बिहार से भी आके रह रहे हैं, अररिया ज़िले के वो रहने वाले हैं। और जो यहाँ का फाइनेंस है इसको अजीज़ुर रहमान देखता है। इनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल भेजा जा रहा है। इनके दोनों साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम अभी लगी हुई है। ये सर हथियार कहाँ से आते थे और कहाँ सप्लाई होते थे? आरिफ और आसिफ जो हथियारों का बाहर से खरीदने का बेचने का काम करते हैं वो दोनों अभी भागे हुए हैं। इनका जो मेन सहयोगी है मोहम्मद साजिद जो मदरसे का संचालक भी है वो पकड़ लिया गया है। उसके पार्ट से जो सूचना मिली है उस पर अभी और तफ्तीश हो रही है। जब ये दोनों पकड़ में आ जाएंगे पूरा चेन खुल के आ जाएगी। कहाँ से हथियार अब तक भेज जो पता चल पाया अभी तक? ये सब जो है उन दोनों के पकड़े जाने पर और डिटेल में निकल पाए। सेंट्रल जांच एजेंसियाँ भी आई थी, कौन कौन सी एजेंसियाँ पूछताछ कर चुकी है? इसमें ATS और IB और LIU सब लोग पूछताछ कर चुके हैं। सभी एजेंसियाँ अपने अपने तरीके से इसमें जाँच कर रही हैं और जो भी चीज़ें इसमें आगे और निकल के आएंगी वो आपको बताएंगे। कप्तान साहब वहाँ पे बच्चे जो बिहार से लाए गए थे क्या उनका कोई रिकॉर्ड मिला है? बिल्कुल, उन बच्चों के परिवार वालों से भी बात की जा रही है और उन बच्चों का क्या स्टेटस है, किन परिस्थितियों में ये वहाँ से लाए गए हैं और इसके पीछे क्या कोई योजना है उसकी भी तफ्तीश। जो संचालक गिरफ्तार हुआ उससे पता लगा है कि क्या ये कितने समय से ये धंधा चल रहा था यहाँ पर, काम कर रहा है? ये मदरसे की ज़मीन उन्होंने करीब 8 साल पहले खरीदी थी और पिछले 4-5 साल पहले इनका कहना है कि इन्होंने ये मदरसा तैयार करके संचालन शुरू किया है। इसमें हर वर्ष यहाँ से बच्चे जो है दीनी तालीम लेके बाहर जा भी रहे हैं और इस अवैध हथियार के धंधे में जो तस्करी हो रही है, जो ये खरीद फरोख्त हो रही है, इसके 2 मेन अभियुक्त अभी बचे हुए हैं। उनको पकड़ने के लिए टीमें लगी हुई हैं। जब वो पकड़ में आ जाएंगे तो बाकी जो इसकी और डिटेल्स हैं फाइनल वो भी आपके साथ शेयर। मकसद क्या, पैसा कमाने के इसके पीछे या कोई और साजिश है? अभी तक की जो पूछताछ से निकल के आया है वो आपको बताया गया है और जो इसकी डिटेल्स हैं वो उन दोनों को पकड़ लें, उनकी जब हमारी पूरी जो है वो रिपोर्ट निकल के आ जाएगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। नहीं, रजिस्टर्ड। कप्तान साहब जिले में बहुत मदरसे हैं, क्या उनकी भी अभियान चलाया जाएगा, उनकी भी तलाशी का? आज के बाद जैसी हालात लगे हैं तो क्या आवश्यकता महसूस हुई कि उनकी भी इस तरह की जांच होनी चाहिए? देखिए, हमने मुखबिरों का तंत्र हर जगह लगाया हुआ है। अगर कहीं भी कोई गैरकानूनी काम हो रहा है और उसकी हमें सूचना मिलेगी तो हम ज़रूर वहाँ कार्रवाई करेंगे। वो कोई भी जगह हो, हम सभी जगह पर हमारे मुखबिर जो है हमें लगाए। कप्तान साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे मदरसे में उनको हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा हो, इस तरह की कोई? अभी इन बिंदुओं पर जांच चल रही है और जो भी जांच में इसके आगे आएगा वो आपको